सबसे पहले हम लोग यहाँ पे द हिंदू की हेडलाइन डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। तो देखो, एक तो हेडलाइन आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, अनअकैडमी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो इसे ही डिस्कस किया जाएगा। अनअकैडमी इज न्यू आईपीएल पार्टनर। किस चीज का पार्टनर बन गया अनअकैडमी? आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का पार्टनर बन गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने अनाउंस किया एजुटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग 2020 एडिशन, शेड्यूल टू बी प्लेड इन यूएई फ्रॉम सितंबर 19 टू नवंबर 10। तो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक जो आईपीएल होने वाला है, उसमें अनअकैडमी भी पार्टनर बन गया है स्पॉन्सरशिप में। ठीक है, तो जब मेन स्पॉन्सरशिप की बात चल रही थी, तो पिछले हफ्ते जब हुआ था स्पॉन्सरशिप का टेंडर आया था, तब तो ड्रीम इलेवन जीत गया। और फिर बाद में सैटरडे को बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि ये भी जो है वो दो ऑफिशियल पार्टनर्स में से एक रहेगा। मतलब अब ड्रीम इलेवन और साथ में अनअकैडमी, ये दोनों मिलके स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके स्पॉन्सर करेंगे आईपीएल को। पहले कौन था आईपीएल का? तो पहले वीवो था। अब वीवो आपको पता है चाइनीज कंपनी, और इस समय चाइनीज बायकॉट हो रहा है एक तरीके से। उसने भी हाथ पीछे कर लिया और इंडिया भी नहीं चाहता कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। सो नाउ द टू न्यू स्पॉन्सर फॉर द आईपीएल आर अनअकैडमी एंड ड्रीम इलेवन। ओके, नेक्स्ट है आपका केशव दुबे हॉकी बेंगोल्स लाइफ टाइम अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि कल तो 29 अगस्त था, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे, एंड कल स्पोर्ट डे मनाया गया इंडिया में। और आपको पता है स्पोर्ट्स अवार्ड भी कल ही प्रेसिडेंट ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन कल एक और अवार्ड अलग से अनाउंस हुआ, और वो अवार्ड का नाम था हॉकी बेंगोल्स लाइफ टाइम अवार्ड। तो 2 बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले केशव दत्त ने जो है उन्हें ये सौभाग्य मिला है, कह सकते हो कि उन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा 2020। तो हॉकी बेंगोल्स, मतलब हॉकी बेंगोल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और इसके लिए केशव दत्त का नाम अनाउंस किया गया है कल। हाँ, इन्हें ये अवार्ड इनके घर पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इस समय कोविड-19 है, तो अब ये तो जाएंगे नहीं कहीं अवार्ड लेने, या कोई फंक्शन तो होगा नहीं, तो इनके घर पे वो अवार्ड पहुंचा दिया जाएगा। अनाउंस कल कर दिया गया। तो याद रखना, हॉकी बंगाल मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो केशव दत्ता को दिया गया। नेक्स्ट है, इंडिया पुल्स आउट ऑफ काउकाज ड्यू टू चाइना। कुछ दिन पहले न्यूज पढ़े थे ना हम लोग कि काउकाज एक्सरसाइज होने वाली है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। व्हाट इज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज? बाइलैटरल 2 देशों का, ट्राइलैटरल 3 देशों का, ये मल्टीलैटरल है, कई सारे देश यहाँ पर है। लेकिन इंडिया इससे अपना पुल आउट कर रहा है, मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इंडिया का रीजन है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया का रीजन है कि चाइना की वजह से इंडिया जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इतना ज्यादा क्लैश चल रहा है, और वहां पे एक्सरसाइज का मतलब होता है साथ में अभ्यास करना, युद्ध अभ्यास करना। सो इट इज नॉट पॉसिबल ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इसलिए इंडिया पुल बैक कर रहा है काउकास 2020 से। ठीक है, और ये होने कहाँ वाला था काउकास? तो ये आपका रशिया में होने वाला था। नेक्स्ट आते हैं, द अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर अचीव फेम फॉर प्लेइंग द ब्लैक पैंथर। तो भाई ये तो आपको कल भी मैंने बता ही दिया था, क्योंकि जस्ट न्यूज आई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने तुरंत आपको बता दिया था, बट आज थोड़ा अच्छे से देख लो। तो ये जो चैडविक बोसमैन है, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। एक्टर चैडविक बोसमैन बेस्ट नोन फॉर हिज स्टार टर्न इन द ब्लॉकबस्टर मार्वल सुपर हीरो, मार्वल में ये सुपर हीरो थे, और क्या था इनका, ब्लैक पैंथर, एंड हुज वर्क सेलिब्रेटेड अफ्रीकन अमेरिकन पायनियर एंड कल्चर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 43 आफ्टर 4 ईयर बैटल विद कॉलन कैंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट पोस्टेड ऑन फ्राइडे टू हिज सोशल मीडिया अकाउंट। सो याद रखिएगा, चैडविक बोसमैन अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया ड्यू टू कैंसर। नेक्स्ट आते हैं, CSIR टू ट्रैक एम्प्लॉयज हेल्थ फॉर 30 ईयर। जो हमारा CSIR है, जो उसने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये अगले 30 सालों तक अपने स्टाफ के हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। कोविड-19 ने एक चीज तो सिखा दी कि हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड द फैक्ट इज कि कोविड-19 से बच वही रहा है जो हेल्दी है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगले 30 सालों तक, फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर, अबाउट 10,000 एम्प्लॉयज ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
CSIR will likely be tracked for most of their working life as part of an initiative to track an array of health vitals and genes. ठीक है, तो अपने करीब 10,000 स्टाफ मेंबर को वो अगले 30 सालों तक उनके हेल्थ को मॉनिटर करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रैना पुल्स आउट ऑफ आईपीएल 2020. ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा. ठीक है, देखो समझना सीखो, अब तक तो आपको इतना समझ में आना चाहिए. जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आईपीएल के पार्टनरशिप की बात हो रही है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, केशव दत्ता को हॉकी लाइफ टाइम हॉकी बंगाल के द्वारा लाइफ टाइम अवार्ड के लिए चुना गया, ये नहीं आएगा. ठीक है, इंडिया बाहर हुआ ये नहीं आएगा. हाँ, काउकाज एक्सरसाइज अगर हुई, अभी स्टार्ट नहीं हुई, अगर हो गई सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई बिना किसी बाधा के, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आ सकता है. ऑब्विचरी है, और लेकिन जो बहुत फेमस होता है उसकी ऑब्विचरी बहुत कम पूछा जाता है. चैडविक बोसमैन को सब जानते हैं, ठीक है, मार्वल सुपर हीरोज के सब फैन रहे हैं, तो इनके बारे में सब ज्यादा जानते हैं, तो इनका पूछना थोड़ा मुश्किल है. ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं भाई, हमें करंट अफेयर पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है. तो भाई हमारी आईपीएल खेलने के लिए इंडियन टीम पहुंच गई थी यूएई, जहां पे आईपीएल होना है, लेकिन हुआ क्या, रैना जो है वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने पर्सनल रीजन बताया. अच्छा, रैना जो है वो सीएसके में थे, टीम सीएसके चेन्नई सुपर किंग, और इसके दो प्लेयर्स को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है ना. तो आफ्टर बीइंग हिट बाय कोविड-19, टू ऑफ इट्स प्लेयर स्विंग बॉलर दीपक चहर एंड यंग बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ हैज टेस्टेड पॉजिटिव. तो इस तरीके से इनकी जो बैटमैन है अच्छे अच्छे, वो तो अपना मतलब कहीं ना कहीं ये दो इन्फेक्टेड हो गए, और सुरेश रैना पर्सनल रीजन बता के वापस आ रहे हैं. तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये केवल आपके जानने के लिए. अच्छा, सुरेश रैना से रिलेटेड क्वेश्चन, रिसेंटली इन्होंने और एम एस धोनी ने दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, शी जिनपिंग कॉल फॉर बिल्डिंग इम्प्रेंजिबल वॉल ऑफ तिब्बत. He urges for effort to ensure national security and enduring peace and stability. देखो भाई, तिब्बत में शी जिनपिंग बाउंड्री डिफेंस को बढ़ाने के लिए एक इम्प्रेंजिबल वॉल बनाना चाहते हैं तिब्बत में. तो ये तो आपको पता है कि इनकी दादागिरी चलती है, इन्होंने हर जगह कब्जा कर रखा है, और उसे बाकी लोगों से दूर रखने के लिए दीवारें तो ये वैसे भी बहुत सारी खड़ी करते रहते हैं. तो ये बस आपकी नॉलेज के लिए था. अब आते हैं हम रिवीजन ऑफ करंट अफेयर पे. आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ पुराने भी हैं, अब देखना है आपको याद कितना रहता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स फ्रॉम 23rd August to 30th August. ओके, सो स्टार्ट आंसरिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च सुपर ऐप टू कैप्चर द स्प्रॉलिंग स्ट्रीमिंग ई कॉमर्स एंड टेक सर्विसेज लैंडस्केप. विशाल स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स और तकनीकी सेवा के परिदृश्य के लिए किसने सुपर ऐप लॉन्च किया. भाई मंथली करंट अफेयर कल होगा, ठीक है, लास्ट वीक का छोड़ के जो पहले के 3 वीक है उसका करंट अफेयर कल होगा मंथली, और वीकली तो संडे को ही होगा ना. एग्जैक्टली, टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है, और अब ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की रेस में भी शामिल हो गया है. तो टाटा ग्रुप एक ऐप लॉन्च कर रहा है जिसका नाम होगा सुपर ऐप. नाम की तरह इसका काम भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑर्डर आप देख सकते हो, फैशन से रिलेटेड कपड़े वगैरह शूज वगैरह खरीद सकते हो, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर जो है उनको भी यहाँ पे फायदा मिलेगा, और इंश्योरेंस, ठीक है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, बिल पेमेंट, इन सारी चीजों का जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी. इसका नाम होगा सुपर ऐप, और ये कौन लॉन्च कर रहा है, टाटा ग्रुप लॉन्च कर रहा है, ठीक है. अच्छा, अर्चना महंता हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 वाज द फोक सिंगर इन विच लैंग्वेज. अगस्त 2020 में अर्चना महंत की डेथ हो गई, ये कौन से लैंग्वेज की फोक सिंगर थी बताइए. नहीं अर्जित, यही पे होगा.
यहाँ पे आंसर आ रहा है एग्जैक्टली असमीज, मतलब असम की भाषा जो है उसकी ये फोक सिंगर थी अर्चना महंता, इनका नाम था। तो वेटरन अर्चना महंता फोक सिंगर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 इन हेल सिटी हॉस्पिटल गुवाहाटी असम। इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था और ये आर्टिस्ट थी ऑल इंडिया रेडियो की, ठीक है, जो गुवाहाटी के ब्रांच की शाखा की। तो ये है अर्चना महंता, असमीज भाषा की फोक सिंगर जिनका निधन हुआ अगस्त 2020 में। किरण, हेल्पलाइन विल बी लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री टू लॉन्च मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास शुरू करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, बताइए। एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड हु इज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, देन द आंसर इज थवार चंद्र गहलोत। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कहा है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं 1800-599-0019, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है किरण हेल्पलाइन नंबर, और इसमें क्या है 13 लैंग्वेजेस में आपको सुविधाएं मिलेंगी। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मेंटल हेल्थ रिसोर्सेस प्रोवाइड कराने के लिए इनेबल किया है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द नंबर, इसे याद मत करो, बस ये याद रखो किरण हेल्पलाइन इसे नाम दिया गया है। जैसे यूपी में दामिनी हेल्पलाइन हुआ था कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था दामिनी हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर था, वैसे ही उसे दामिनी नाम दिया गया था, तो इसे क्या नाम दिया गया, किरण। और वो आपका महिला की सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ये आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ये है थवार चंद्र गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। नेम द कंप्यूटर डिजाइनर एंड एन इनोवेटिव इंजीनियर हु पास्ड अवे रिसेंटली। ही डिजाइन द GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर अलॉन्ग विथ चार्ल्स प्रोस्टर इन लेट 1950s। 1950 के दशक में जिन्होंने जीई जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी का 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था, किसके साथ मिलके, चार्ल्स के साथ, उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है। बिल्कुल आंसर यहां सबका गलत आ रहा है, बहुत अच्छे, क्या दे रहे हो आंसर, लास्ट ऑप्शन। ओके ओके ओके, तब भाई यहाँ पे करेक्ट है, अर्नोल्ड स्पिलबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन को इसलिए घुमा देते हैं कि ये देखे कि आपको एग्जैक्ट वैसे ही याद है जैसे हम पढ़ाए हैं, या फिर आपको सच में याद है, हम चाहे जैसे पूछे आप बता लोगे। तो कहाँ है भाई स्पिलबर्ग, तो ये जो आप देख रहे हो राइट में, ये स्पिलबर्ग है, लेफ्ट में इनके बेटे हैं, और ये जो है ये फिल्म मेकर है, ये फिल्म मेकर है, और ये कौन है, ये तो इंजीनियर थे। और भाई 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर को इन्होंने चार्ल्स के साथ मिलके डिजाइन किया था 1950s में, एट द एज ऑफ 103 इनका निधन हो गया, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइन एन अग्रीमेंट विद लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी एंड रसोफ टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रोसॉफ्ट के साथ कौन एक समझौता हस्ताक्षर किया है, मतलब कि उनसे कुछ टेक्नोलॉजी हैंडओवर वो करेंगे इंडिया को, जो हेल्प करेगा इंडिया को ये इस क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एल्यूमनी काउंसिल, देखो भाई अलग अलग आईआईटी है उनकी जो एक संस्था है मर्ज में, वो जो है उसने जो है वो लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, मॉस्को कहाँ पर है, रशिया में, रशिया की इस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, ठीक है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये इस समय दुनिया का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ये उसकी एक फोटो है, इसका नाम क्या है, फुगुको है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्यूमनी काउंसिल ने अग्रीमेंट साइन किया एलएम स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ और रसोफ के साथ, ताकि वो एक्सेस दे सके और कुछ ट्रांसफर की टेक्नोलॉजीज रशिया से दे सके इंडिया को, ताकि इंडिया भी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में बढ़ सके। यह है मॉस्को यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं।
नेम द पर्सन हु हैज स्टेप डाउन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस टिकटॉक। टिकटॉक के सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया, बताओ। एग्जैक्टली, केविन मेयर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 जून को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और 1 महीना पूरा हुआ, 2-3 महीने मुश्किल से पूरे हुए और इन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि इतनी सारी टेंशन चल रही है। टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, यूएसए पे मतलब यूएसए में स्ट्रिक्ट हो गया है, तो इतना ज्यादा प्रेशर है। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने रिजाइन कर दिया। केवल 3 महीने उन्होंने सर्व किया एज सीईओ। और यूएसए की जो जनरल मैनेजर है, ठीक है, टिकटॉक के लिए यूएस कंट्री में जो जनरल मैनेजर है उनका नाम है वैनेसा पेपर्स। अब ये रिप्लेस की है इनको, मिस्टर केविन मेयर को, लेकिन केवल तब तक जब कोई और नहीं आ जाता, इंटरिम बेसिस पे, मतलब कि जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाता तब तक जो नई सीईओ है टिकटॉक की उनका नाम क्या है, वैनेसा पेपर्स। तो वैनेसा पेपर्स इस समय सीईओ है टिकटॉक की, केविन मेयर रिजाइन कर चुके हैं। ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखना है। द मोस्ट सक्सेसफुल मेन्स डबल्स पेयर इन टेनिस हिस्ट्री, माइक ब्रैंड एंड डैश हैव अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट। टेनिस के इतिहास में सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रैंड और किसने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, बताओ। दोनों जो है ना, ये दोनों ट्विंस थे, माइक ब्रैंड बॉब ब्रैंड से 2 मिनट बड़े हैं। माइक ब्रैंड 2 मिनट पहले पैदा हुए थे, बॉब ब्रैंड 2 मिनट बाद पैदा हुए थे। सो माइक ब्रैंड बड़े भाई हैं, बॉब ब्रैंड छोटे भाई हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस टेबल टेनिस की डुअल जोड़ी थी और इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, मतलब अब ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉब, ये है बॉब ब्रैंड और ये है माइक ब्रैंड। तो एज आई टोल्ड यू, ये 2 मिनट इनसे बड़े हैं और 22 साल के प्रोफेशनल करियर के बाद अब ये दोनों टेनिस से रिटायर हो रहे हैं। US India Strategic Partnership Forum confers 2020 Leadership Award to Boom. US India Strategic Partnership Forum 2020 Leadership Award किसको प्रदान कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे 2 लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, शांतनु नारायण को और आनंद महिंद्रा को। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी होगा। तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, आनंद महिंद्रा है, और एडोब के चेयरमैन कौन है, शांतनु नारायण है। अच्छा, एडोब के साथ कौन से बैंक ने साझेदारी की है, बताओ। एडोब के साथ अपने बैंक में टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए कौन से बैंक ने साझेदारी की है? खैर, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और शांतनु को यूएसए के द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए, कि इंडिया और यूएसए के बीच में बिजनेस को इन्होंने बढ़ाया है, इसके लिए इन्हें लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इनको ये अवार्ड कौन दे रहा है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है मजबूत करना बायलेटरल, मतलब दोनों देश के बीच की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को, यूएस और इंडिया के बीच में। ये पॉलिसी बनाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोवोक करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देते हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, ताकि दोनों देशों का जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो सके। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर है एचडीएफसी। एग्जैक्टली, एचडीएफसी का एडोब के साथ समझौता हुआ है, शायद ये क्वेश्चन आगे हम लोग को मिलेगा भी। Who has been appointed as a managing director of State Bank of India? Most important question. State Bank of India का managing director अब किसे चुन लिया गया है? देखो, अगर हम बात करें वरुण श्रीधर की, तो वरुण श्रीधर हेड चुने गए हैं पेटीएम मनी के, पेटीएम मनी के, ठीक है। प्रकाश चंद्र कंद्रपाल, बताओ, प्रकाश चंद्र कंद्रपाल, ये अभी हमने आपको रिवाइज कराया था, प्रकाश चंद्रपाल किस पद पे कहां पे चुने गए हैं?
प्रकाश चंद कंद्रपाल किस पद पे चुने गए हैं, कौन से संस्था में? हाँ एसबीआई कार्ड भी यहाँ पे आंसर आ रहा है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी यहाँ पे आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर हम एसबीआई कार्ड की बात करें तो क्या एसबीआई कार्ड से रिलेटेड कल हमने आपको न्यूज पढ़ाया था? बताओ, एसबीआई कार्ड से रिलेटेड न्यूज हमने कब पढ़ाया था? प्रकाश चंद्र कंदपाल भी एसबीआई से जुड़े हैं और आप जो एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हो वो दूसरे हैं, ठीक है? अब समझना, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, प्रकाश चंद्र कंदपाल एसबीआई से जुड़े हैं लेकिन एसबीआई के किस ब्रांच से? इंश्योरेंस वाले, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से जुड़े हैं, ठीक है? अंतर है भाई इसमें, यही तो याद करना है, यही तो गेम है। और इसमें से एसबीआई कार्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई में जो नई नियुक्ति हुई है इनमें से एक जरूर पूछेगा, ठीक है? खासकर जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है मेंस का, उसमें तो पूछना ही पूछना है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेड चुने गए हैं प्रकाश चंद्र कंदपाल। रमेश बाबू बोडू करूर व्यास बैंक में चुने गए हैं, करूर व्यास बैंक में, ठीक है? और राकेश अस्थाना बीएसएफ के हेड चुने गए हैं। अश्विनी भाटिया, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका, अश्विनी भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं एसबीआई के, ठीक है? एसबीआई के मेन एसबीआई, जो पीके गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे। तो अश्विनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही विल बी अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ पीके गुप्ता, ठीक है? ये है अश्विनी भाटिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू अक्वायर भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस? दो इंश्योरेंस कंपनीज है लेकिन अब भारती एक्सा को अपने में शामिल करने वाली एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम बताओ। एग्जैक्टली, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अनाउंस किया कि वो भारती एक्सा जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसे अक्वायर कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि भारतीय एंटरप्राइजेस 51% का स्टेक रहेगा, ठीक है? और मतलब भारतीय एंटरप्राइजेस का भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस में 51% का स्टेक है और फ्रेंच इंश्योरर एक्सा का 49% है। आपको पता होगा ना कि भारतीय एक्सा दो अलग अलग कंपनी है, एक है भारतीय एंटरप्राइजेस और एक्सा जो है ये फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी है। दोनों जब मर्ज हुई थी, दोनों मिलकर आए थे, तब नाम बना था भारतीय एक्सा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि भारतीय एक्सा में भारती का ज्यादा स्टेक है, 51 है, और जो फ्रेंच वाली कंपनी है मतलब एक्सा जो है उसका केवल 49% स्टेक है और अब इसको अक्वायर कर रहा है कौन? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। हु हैज सबमिटेड द रिपोर्ट टाइटल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट 2011 टू 2036, भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036, इस नाम से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? एग्जैक्टली, यहाँ पे एनसीपी आपका आंसर होगा, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। तो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब एनसीपी ने रिपोर्ट जारी की है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो सकती है 2011 से 2036 में, क्या चेंजेस आ सकते हैं। जब 2011 में जनगणना हुई थी तब जो हमारी जनसंख्या थी वो थी 1.21 बिलियन, 121 करोड़, लेकिन हम बहुत ग्रो किए हैं और ये कहा जा रहा है कि 2036 तक ये 1.52 बिलियन होने की आशंका है, जहां पे महिला की जनसंख्या ज्यादा होने की भी आशंका है। अब देखो, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, बहुत सारे अनुमान उन्होंने लगाए और ये रिपोर्ट जो थी वो किसके अंडर में सेटअप की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह।
ये रिपोर्ट कहती है कि सेक्स रेशियो भी बदल जाएगा 2036 तक। अभी जो है 943 महिला है 1000 पर, 1000 पुरुषों में 943 ये रेशियो चल रहा है, और आपका जो 2036 तक है ये 957 तक पहुंचने की संभावना है। सेक्स रेशियो में कहा जा रहा है कि फीमेल्स का हर 1000 मेल्स पे कितना नंबर है, इस हिसाब से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। Who has won the sixth World Snooker Championship 2020? स्नूकर जो गेम होता है उसपे छठवीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीता, मतलब छठवा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ वो कौन जीता जो 2020 में हुआ। एग्जैक्टली, यहाँ पे आंसर होगा आपका रॉनी ओ सुलिवन। ठीक है, तो रॉनी ओ सुलिवन जो है इन्होंने छठवा जो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप था स्नूकर का उसे जीत लिया है। और रोनाल्डो एंटोनियो ओ सुविलेन का पूरा नाम है, ये इंग्लैंड के प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं और इन्हें कहा जाता है स्पोर्ट की हिस्ट्री में जो बहुत महान महान खिलाड़ी रहे हैं उसमें रोनाल्ड एंटोनियो ओ सुलिवन का नाम भी लिया जाता है। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर हिज नेम, रॉनी ओ सुलिवन। क्या गेम खेलते हैं, स्नूकर प्लेयर हैं, और ये 2020 में जो छठवीं स्नूकर प्रतियोगिता हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप उसे जीत लिए हैं। एंड ही हेल्स फ्रॉम द कंट्री इंग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु लॉन्च द न्यू सर्विस स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, केवल पर्सनल लोन के लिए, होम लोन कार लोन नहीं, केवल पर्सनल लोन के लिए व्हाट्सएप पे स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नाम की सुविधा किस कौन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली, आंसर होगा टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल जो है, टाटा भाई देखो नमक से लेकर क्या क्या चीजें बनाता है, बहुत बड़ी एक संस्था है। अभी आपने देखा टाटा ग्रुप जो है वो मतलब कि सुपर ऐप लॉन्च कर रहा है हर एक सुविधा एक ही जगह पे देने के लिए, और टाटा का ग्रुप का ही जो एक इंश्योरेंस कह सकते हो एक फाइनेंस कंपनी है टाटा कैपिटल जो फाइनेंस करती है आपको चीजें लेने के लिए, वो व्हाट्सएप पे पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाया है। सो थ्रू द न्यू सर्विस द एग्जिस्टिंग कस्टमर कैन इजिली अप्लाई फॉर लोन एंड रिसीव सैंक्शंस फॉर पर्सनल लोन यूजिंग TIA, अ चैटबॉट ऑन टाटा कैपिटल ऑन व्हाट्सएप। मतलब एक चैट बॉक्स है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी और वो लोन आपका अप्रूव हो जाएगा इफ यू आर एलिजिबल। एग्जिस्टिंग कस्टमर ऐसा कर सकते हैं। टाटा कैपिटल का हेड ऑफिस मुंबई है, राजीव सभरवाल MD एंड CEO है। नितिन जयराम गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय NHAI टू मॉनिटर हाईवे प्लांटेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऐप बताओ। उस ऐप का नाम बताना है। एग्जैक्टली, हरित पथ ऐप, पथ पे हरा भरा कर रहे तो हरित पथ नाम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन नितिन गडकरी ने 22 अगस्त को ये काम किया था और हरित पथ नाम का उन्होंने ऐप लॉन्च किया जिसके जरिए वो मॉनिटर करेंगे कि जो प्लांटेशन का काम है वो किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, और लोकेशन क्या है, ठीक है, ग्रोथ कितनी है, किस किस प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी क्या है, इन सब चीजों को ट्रैक वो करेंगे हरित पथ ऐप के जरिए। इफ यू टॉक अबाउट नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है केशव कुमार पाठक, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। अच्छा, विच कंट्री अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व इन द ब्लैक सी कोस्ट। काले सागर के तट पे बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार किस देश को मिला है जिसपे वो हक भी जमा रहा है। जैसे UAE में अबू धाबी और दुबई के बीच में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला था, अब वो UAE में, तो आपको पता है UAE देश 7 अमीरात को मिलके बना है, तो जैसे वहां पे 2 अमीरात के बीच में था तो दोनों ने उसे बांटा, दोनों का हक हुआ, उस पे अग्रीमेंट हुआ एक बकायदा, वैसे ही ये मिला है टर्की को, तो टर्की इस पे हक जता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। टर्की के प्रेसिडेंट रेकेप तैयिप एर्डोगन ने ये अनाउंस किया कि उन्हें बहुत बड़े स्केल पे नेचुरल गैस रिजर्व मिला है
लगभग 320 बिलियन क्यूबिक मीटर तक फैला है। कहाँ पे मिला है? काले सागर के तट पे मिला है। टर्की इज टू स्टार्ट यूजिंग द डिस्कवर्ड नेचुरल गैस बाय 2023। इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि हम इस भंडार का उपयोग 2023 तक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो भाई हम टर्की की बात करेंगे। ब्लैक सी आप देख रहे हो कहाँ पर है, ये है ब्लैक सी। ठीक है, इसी के तट पे इन्हें मिला है। और एक बात यहाँ पे है टर्की से रिलेटेड, वो ये है टर्की एक एक्सरसाइज करने वाला है, 2 हफ्ते युद्ध अभ्यास करेगा। टर्की सेट इट विल होल्ड अ मिलिट्री, ये आज की न्यूज है। ठीक है, ये आज की हेडलाइन है। टर्की सेट इट विल होल्ड अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट साइप्रस, मतलब ये जो साइप्रस देश है इसके नॉर्थ वेस्ट में, मतलब यहाँ पे इधर कहीं पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। क्यों करेगा? ये जो ग्रीस देश है ना भाई, जो यूरोप का देश है, इसके साथ टर्की का बहुत बॉर्डर टेंशन है। आपको पता भी होगा कि कई सारे लोग इधर से यूरोप जा रहे थे तो ग्रीस ने बॉर्डर सील कर दिया था। बहुत पहले की बात है, ये पिछले साल 2019 के लास्ट की बात है, और कई लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन ग्रीस ने बॉर्डर सील कर दिया था। तो ग्रीस और टर्की के बीच में बॉर्डर टेंशन बहुत है, तो भाई पड़ोसी को थोड़ा सा अपना दमखम दिखाना है, इसलिए टर्की 2 हफ्ते तक यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाला है। ओके, टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। ओके, नेक्स्ट है वेयर द थर्ड एडिशन ऑफ ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 वॉज ऑर्गेनाइज। ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल है उसका तीसरा संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? केरला में हुआ, और इसके मस्कट का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, पंतालू। मस्कट क्या होता है? प्रतीक, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक चुना जाता है, कार्टून के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहला ये आपका केरला में पहली बार ये फेस्टिवल हुआ, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, और ये नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का पार्ट था, जो WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इस बार केरला में कराया गया। पंटालू, ये जो पंटालू है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इससे इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पंटालू को इन्होंने प्रतीक, मतलब मस्कट के रूप में, सिंबल के रूप में चुना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ न्यू ओपन API सर्विस फॉर विच ऐप? भारत सरकार ने किस ऐप के लिए नई ओपन API सर्विस की घोषणा की है? आरोग्य सेतु विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी आपने क्या न्यूज पढ़ा कि CSIR अपने 10,000 स्टाफ मेंबर को मॉनिटर करेगा, बिकॉज वो उनके हेल्थ को लेकर चिंतित है। तो आरोग्य सेतु को एक मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करके इसको ही वो सुविधा दी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ न्यू ओपन API सर्विस फॉर आरोग्य सेतु ऐप टू अलाउ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू हैव मोर कंट्रोल ओवर हेल्थ स्टेटस ऑफ देयर एम्प्लॉय ड्यूरिंग दिस ऑनगोइंग सिचुएशन। अब समझ में आया? तो आरोग्य सेतु में भी एक API सर्विस लॉन्च कर दी गई है। अब आरोग्य सेतु के माध्यम से बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु का एम्बेसडर चुना गया है अजय देवगन को, उनका एड आपने देखा होगा। ओके, हु इज ऑथर ऑफ द बुक डेली रॉयट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी? दिल्ली दंगा द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अरिजीत मोस्ट प्रोबेबली कल मैं ट्राई करूंगी कि पोल सिस्टम करूं, क्योंकि यूट्यूब में भी क्विज हो सकती है। ठीक है, कल मैं देखती हूँ कि वो कैसे होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल मंथली रिवीजन हम लोग क्विज के माध्यम से करें। कल जब हम लोग मंथली रिवीजन करेंगे, तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि आखिरी हफ्ते का न्यूज हम लोग कल नहीं रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आज हम रिवाइज कर चुके हैं। तो हम लोग केवल अगस्त फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 हफ्ते का करेंगे, चौथे हफ्ते का हम लोग आज कर चुके हैं, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीन लोगों ने इस किताब को लिखा है, मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने। ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूज इसलिए आई क्योंकि इस किताब के पब्लिशर पहले ब्लूम्सबरी थे, ब्लूम्सबरी ने इसको पब्लिश करने से मना कर दिया। ये एक कंट्रोवर्सियल किताब है, इसमें लिखा गया है दिल्ली दंगे कैसे हुए, कौन उकसाया, क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा है। तो ब्लूम्सबरी ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया, तो ये उनपे केस भी कर रहे हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इन सब चीजों पे बात चल रही है। खैर, किताब की बात करें, डेली रॉय 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ये किताब है जिसे मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा, ये तीन लोगों ने मिलकर इसे लिखा है। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रमोट बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम। बायोफ्लॉक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नई योजना किसने स्टार्ट की है? बिल्कुल, आंसर यहाँ पे होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा ने मछली पालन में बायोफ्लॉक प्रणाली को अपनाया है, जहां पे इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स में मछली पालन किया जाता है। उड़ीसा ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, और याद रखना है आपको, उड़ीसा ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया ताकि वो मछली पालन को बढ़ावा दे और जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो इस तरफ भी अपना ध्यान दे सके, इस क्षेत्र में भी कुछ नया कर सके और जो फिश फार्मर है उनको भी प्रोग्रेस मिल सके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडिया लॉन्गेस्ट रोपवे ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर? किस राज्य ने ब्रह्मपुत्र नदी पे इंडिया की सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है भाई? ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर बहुत ही आपको मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, असम विल बी द करेक्ट आंसर। और ये होता है रोपवे जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो असम के दो हिस्से को, नॉर्थ गुवाहाटी और गुवाहाटी को जोड़ेगा। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 2 किलोमीटर है, इससे 809 मिनट में गुवाहाटी से आप नॉर्थ गुवाहाटी जा सकते हो। 13 ईयर बॉय फ्रॉम मणिपुर डेवलप कोविड-19 थीम मोबाइल गेम ऐप नेम? आपको बताने, 13 साल के लड़के ने जो मणिपुर से है कोविड-19 थीम जो गेमिंग ऐप बनाया है उसका नाम क्या है? एक ऐसा गेम जहां पे एक लड़का होगा उसका नाम होगा कोरो बॉय। अब वो कोरो बॉय घर से कहीं खो गया, उसे अपने घर जाना है, रास्ते में सैनिटाइजर मिलता है, पुलिस भी मिलती है, अगर वो मास्क नहीं लगाया है तो उसपे पॉइंट भी कट जाते हैं, मतलब पूरा ये बेस्ड है आपका कोविड-19 के ऊपर। कोरो बॉय इस गेम का नाम है, और क्लास 9th में पढ़ने वाले मणिपुर के एक स्टूडेंट है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल से, इनका नाम है बालदीप, इन्होंने कोरो बॉय नाम का ऐप बनाया है। तो एक स्कूल के स्टूडेंट ने डेवलप कर दिया मोबाइल गेम ऐप। 9th क्लास में हम लोग क्या करते थे, जिंदगी का मजा ले रहे थे, और देखो ये इसने इतना बड़ा ऐप बना दिया, बहुत ही ज्यादा ही अच्छी बात है। और कोरो बॉय इस ऐप का नाम है। देखो इस तरीके से ये जो मैंने बताया कि लड़का है, पूरा रास्ते में कोरोना मिलेगा, इससे बच के आपको भागना है। ठीक है, अगर आप सबवे सर्फ गेम देखा है ना, सबवे सर्फ की तरह का गेम है, लेकिन इसमें पॉइंट्स की जगह पे सैनिटाइजर ये सब ऐड कर दिया गया, और आपको ट्रेन की जगह पे कोरोना वायरस कर दिया गया है, जिससे आपको बचना है। इंडिया इज सेट टू लॉन्च डायरेक्ट फेरी सर्विस टू विच नेबरिंग कंट्री? किस पड़ोसी देश तक के लिए डायरेक्ट फेरी सर्विस इंडिया प्रोवाइड करेगा? मतलब अब आपको उस देश जाने के लिए आप नाव से जा सकते हो, फेरी से जा सकते हो, और ये आपका मालदीव के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। तो जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि वो कार्गो फेरी सर्विस शुरू कर रहे हैं इंडिया और मालदीव के बीच में, और इसका यही डिसीजन इसलिए ताकि वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सकते। माले क्या है भाई? मालदीव की कैपिटल है, तो मालदीव की कैपिटल माले से इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, इंडिया ऐसे है, और इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है, मालदीव, आपको पता ही होगा। तो इन दोनों के बीच में अब फेरी सर्विस भी स्टार्ट होगी। ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑथराइज द यूज ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द कोविड-19 सर्वाइवर? जो ब्लड प्लाज्मा एक इकलौता, और मतलब कि एक इकलौता अभी तरीका दिख रहा है जिससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है कोविड-19 सर्वाइवर का, इसको ऑथराइज किस देश ने कर दिया? तो आंसर तो बहुत इजी है, यूएसए विल बी द करेक्ट आंसर। यूएसए ने ये जो प्लाज्मा विधि है जो इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस हुई और फिर लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना स्टार्ट कर दिया, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है या फिर जो कोविड में सर्वाइव कर गए
उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, तो वो जो कोरोना के पेशेंट है उनमें डाला जाए ताकि वो बच जाएं, ये थेरेपी को यूएसए ने ऑथराइज कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथराइजेशन इसे दे दिया। हु वन द यूईएफए चैंपियनशिप लीग टाइटल फॉर द सिक्स टाइम, छठवीं बार यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में ये आपका एक चैंपियनशिप, फुटबॉल चैंपियनशिप कंपटीशन होता है, इसे जीता किस फुटबॉल क्लब ने, ये आपको बताना है। यूरो के अलग अलग फुटबॉल क्लब के बीच में ये होता है, और इस बार बायर्न म्यूनिख जीत गया। उसका जो लास्ट मैच था वो बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख का था, जिसमें बार्सिलोना ने बहुत ही खराब डिफेंड किया, जैसे लग रहा था वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बायर्न म्यूनिख जीत गया इसे। तो जर्मन प्रोफेशनल, ठीक, जर्मनी भी यूरोप का है, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, यूरोप के अलग अलग देशों के फुटबॉल क्लब के बीच में चैंपियनशिप होती है, तभी तो यूईएफए इसका नाम है, यूईएफए चैंपियनशिप लीग। छठवीं बार ये बायर्न म्यूनिख ने इसे जीत लिया है, ठीक है। और ये जो आपका लीग है ये 1955 से होना स्टार्ट हुआ था, और तब इसका नाम यूरोपियन कप रखा गया था। 1992-93 में इसका नाम चैंपियन लीग रख दिया गया। बायर्न एंड लिवरपूल ये दोनों छह छह बार इसको जीत चुके हैं। अब अगली बार बायर्न एक बार और जीत गया तो वो सबसे ज्यादा बार इसे जीतने वाला फुटबॉल क्लब बन जाएगा, ठीक है। नुखई जुहार फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नुखई जुहार का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो नुखई जुहार एक क्रॉप फेस्टिवल है, चावल की नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। बेसिकली ये दो राज्यों में मेन तरीके से मनाया जाता है, जिसमें एक है आपका उड़ीसा और एक है छत्तीसगढ़। तो थर्ड भी आंसर है, फोर्थ भी आंसर है, नुखई जुहार इस फेस्टिवल का नाम है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बेसिकली ये मनाया जाता है। ये उन महत्वपूर्ण प्राचीन कृषि त्योहारों में से एक है, जिसमें लोग अनाज की पूजा करते हैं और नए चावल का स्वागत करते हैं। जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं क्रॉप फेस्टिवल, वैसे ये भी एक क्रॉप फेस्टिवल है, ठीक है। द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन हैज बीन सेटअप बाय द सेंटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए नेशनल काउंसिल सेटअप की गई है, और इसका हेड किसे बनाया जाएगा, इस कमीशन का हेड कौन होगा? भाई देखो, इसका हेड चुना गया है थवार चंद्र गहलोत को, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। तो थवार चंद्र गहलोत जो है इनको चुना गया है इस कमीशन का हेड। और इंडिया का पहला नेशनल, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एस्टैब्लिश ऑन अगस्त 24 अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे सेटअप किया है, इसीलिए थवार चंद्र गहलोत जो कि इसके मिनिस्टर है वही इसके अध्यक्ष भी रहेंगे। विच यूनिवर्सिटी हैज बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू हैव अ डिजिटाइज्ड गार्डन? एक डिजिटल गार्डन रखने वाला कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा भारत में पहला विश्वविद्यालय, बताओ। डिजिटल गार्डन, भाई देखो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1, केरला यूनिवर्सिटी। डिजिटल गार्डन का मतलब क्या है? हर पेड़ पे इस तरीके से लगा होगा और उसपे क्यूआर कोड होगा, आप जब क्यूआर कोड को अपने फोन में स्कैन करोगे तो इस पेड़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन पे आ जाएगी, कि ये पेड़ का स्पीसीज क्या है, ये किस तरीके से बायोडायवर्सिटी में हेल्प करता है, ठीक है, इन सारी चीजों की जो डिटेलिंग है वो आपके फोन पे आ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, सामान्य गार्डन में ये सब बोर्ड पे लिखा रहता है, अब ये डिजिटल गार्डन है तो यहाँ क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करने पे आपको डिटेल आपके फोन पे मिल जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला पहली यूनिवर्सिटी हो गई है इस देश में डिजिटलाइज्ड गार्डन लॉन्च करने वाली। डिजिटल गार्डन को वीपी महादेवन पिल्लई जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के, उन्होंने इनॉग्रेट किया। विच रीजनल रूरल बैंक हैज पार्टनर्ड विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट? इनका जनरल, इनका जो बीमा उत्पाद है वो नहीं बिक रहा था, तो इन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की, वही एसबीआई जनरल जिसके हेड चुने गए हैं महेश चंद कंदपाल। रिवाइज करते रहो, बताओ जरा किसने साझेदारी की है? भाई कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की पहले बात कर लेते हैं। 12 सितंबर 2005 में स्थापना हुई थी और धारवाड़ कर्नाटका इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और पुतांगती गोपी कृष्णा इसके चेयरमैन है। इफ यू टॉक अबाउट एसबीआई जनरल, 2009 में स्थापित हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्रकाश चंद्र कंदपाल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। पुष्य महापात्रा डायरेक्टर है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च द बुक नेम गैस्ट्रिक कैंसर एडिटेड बाय डॉक्टर अशोक के वैद। एक किताब है गैस्ट्रिक कैंसर जिसे एडिट किया डॉक्टर अशोक के वैद ने। अब इसे लॉन्च कौन करेगा? भाई जाहिर सी बात है, इसे लॉन्च करेंगे आपके यहाँ पे, एक सेकेंड, ये होगा ऊपर जितेंद्र सिंह होंगे, ठीक है, ये थोड़ा इसका दिमाग खराब हो गया है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया और किताब गैस्ट्रिक कैंसर पे बेस्ड है, अशोक के वैद के द्वारा इसे एडिट किया गया है। और अगर हम बात यहाँ पे करें अशोक के वैद के बारे में, तो वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 2009 में इनके मेडिसिन के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग काम के लिए। और ये जो किताब है गैस्ट्रिक कैंसर, इसे कौन पब्लिश कर रहा है? तो स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन इसे पब्लिश कर रहा है। अच्छा ये बताओ, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन ऑब्जर्व। जो गुलाम का व्यापार होता है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, कौन सा दिन जो है वो इंटरनेशनली मनाया जाता है? बहुत इजी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, 23 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोल्यूशन 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, पौलोमी घातक गॉट रिटायर्ड फ्रॉम हर स्पोर्ट, शी इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। पौलोमी घातक ने अपने खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इनका गेम था क्या? वॉज शी इज चेस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर या फिर टेबल टेनिस प्लेयर? ई आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, टेनिस यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। और पौलोमी घातक जो है ये बहुत ही फेमस थी टेबल टेनिस में और 37 साल की ये है और अब ये रिटायर हो रही है और इन्हें जो है कोच बनना है, ये प्लान कर रही है टेबल टेनिस की कोच बनने का। ये जो है 7 बार नेशनल टाइटल जीत चुकी हैं, 7 बार। पौलोमी घातक टेबल टेनिस प्लेयर गेटिंग रिटायर्ड एंड शी इज प्लानिंग टू बी अ कोच, इतना याद रखना। विच डे इज बींग ऑब्जर्व एज विमेन्स इक्वेलिटी डे? 23 अगस्त को अगर आप स्लेव ट्रेड एंड एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड मनाते हो तो विमेन्स इक्वेलिटी डे आप कब मनाते हो? ये वो दिन है जब यूएसए ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार दिया था। बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका 26 अगस्त, ठीक है। तो 26 अगस्त में यूएसए ने 19th अमेंडमेंट किया था अपने संविधान में और महिलाओं को अधिकार दिया था वोट करने का। फिर 1971 में यूएस कांग्रेस ने इस दिनांक को विमेन्स इक्वालिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 1971 से ये दिन मनाया जाने लगा। नेक्स्ट आता है, हु हैज वन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर टाइटल, जिसने शकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीत लिया, उनका नाम क्या है? भाई इनका नाम है नीलकंत भानु प्रकाश, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने सबका खिताब तोड़ दिया है और अब ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब इन्हें मिल चुका है। तो इंडिया के हैं नीलकंठ भानु प्रकाश, दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर। 20 साल की उम्र में इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में, जो कि लंदन में हुआ था। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा मैथ के बहुत बड़े बड़े मास्टर जैसे स्कॉट का और शकुंतला देवी का। दिस इज फर्स्ट टाइम इंडिया हैज वन गोल्ड एट मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड। हु हैज बीन चूजन फॉर द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन द लैंड एडवेंचर कैटेगरी? तेंजिंग नॉर्वे इंडिया के पहले व्यक्ति, मैन विमेन मिला के पहले व्यक्ति जो पहुंचे हिमालय पे, तो इनके नाम से नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड कौन जीता है? ये अवार्ड जिसने जीता है वो
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है दोनों साइड से, इंडिया के साइड से भी और चाइना की साइड से भी। तो अनीता कुंदू विल बी द करेक्ट आंसर। अनीता कुंदू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। और अनीता कुंदू जो है ये हिसार, हरियाणा के हिसार नाम की जगह से है। अनीता कुंदू पहली महिला है इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे इंडिया के साइड से भी चढ़ाई की है और चाइना के साइड से भी चढ़ाई की है, और इन्हीं को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना गया है। ये है तेंजिंग नॉर्गे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीलैटरल एक्सरसाइज दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन साउदर्न रशिया इन सितंबर 2020? सितंबर 2020 में दक्षिणी रूस में होने वाले बहुपार्श्व अभ्यास का नाम क्या है? तो यही हम लोग बात कर रहे थे, इसका नाम है कावकाज। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन आज ही हम लोगों ने हेडलाइन पढ़ी कि इंडिया पुल बैक कर रहा है क्योंकि चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले इंडिया ने प्लान कर लिया था इसमें अपने पर्सनल को भेजने का, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन की वजह से अब ये पुल बैक कर रहा है। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल की शुरुआत किसने की है? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर होगा गूगल, और गूगल ने एनीवेयर स्कूल नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और एक्चुअली इन्होंने इस इनिशिएटिव में क्या किया है, जो इनके पहले से ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म थे, मीट, क्लासरूम, जी सूट, ये अलग अलग इनके फीचर्स थे जिससे ये ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो इनके जरिए, तो इसी में इन्होंने 50 नए फीचर और जोड़ दिए, ठीक है। और ये इस प्रोजेक्ट को 250 मतलब कि देशों में अलग अलग जगहों पे ये लॉन्च कर रहे हैं। गूगल की बात करें, 4 सितंबर 1998 से गूगल काम कर रहा है। सुंदर पिचाई इसके सीईओ है, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने इसे फाउंड किया था। अच्छा, विच बैंक बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया Who will use satellite data to access credit worthiness of former? Worthiness of former का मतलब क्या हुआ? Credit worthiness of former का मतलब किस किसान को credit करना है, मतलब किस किसान को ऋण देना है, कौन उसके वर्थ, कौन वर्थ है, कौन लायक है, कौन नहीं है, किसकी जमीन कैसी है, कितनी है, वो उस पर खेती करके क्रेडिट वापस कर सकता है या नहीं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से खेतों को मॉनिटर करके। ये पकड़ने वाला ये पहला बैंक होगा और इस बैंक का नाम है ICICI। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत में ये पहला बैंक है जो ऐसा कर रहा है, और दुनिया में भी बहुत कम बैंक है जो ऐसा करते हैं। तो ICICI बहुत कम, पूरी दुनिया में कुछ बैंक्स हैं और इंडिया में तो पहला बैंक है जो सैटेलाइट टेक्निक का यूज करेगा, इस तरीके से ग्राफिक इमेजेस लेगा, तो इससे पता चलेगा कि किस किसान को उन्हें क्रेडिट करना है, किसको नहीं, तो ये उन्हें क्विक लैंडिंग डिसीजन बनाने में मदद करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट ICICI तो मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर, संदीप बक्सी MD एंड CEO, हम है ना ख्याल आपका टैगलाइन। Who among the following has been inducted into International Cricket Council's Hall of Fame? Hall of Fame में पिछले दशक में जो बहुत अच्छा खेलते हैं या कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका नाम डाल दिया जाता है। तो 2020 के Hall of Fame में किसे शामिल किया गया? तो भाई तीन लोगों का नाम यहाँ पे आया है, तो जैकिस कालिस भी आंसर होगा, लीजा भी आंसर है, सैयद जहीर अब्बास भी आंसर है, लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो, साउथ अफ्रीका से कालिस को चुना गया है, ठीक है, लीजा कैप्रिनी को ऑस्ट्रेलिया से चुना गया है, और जहीर अब्बास को पाकिस्तान से चुना गया है 2020 के हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आंसर करो कमेंट बॉक्स में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? एंड द आंसर इज वेरी इजी। Which general insurance has launched a first of its kind offering Shagun gift and insurance policy for personal accident? आप किसी को आप insurance policies भी gift कर सकते हो। इसके लिए जो लाया है scheme उसका नाम रखा Shagun gift and insurance। अपने लिए भी ले सकते हो, किसी को gift भी कर सकते हो। तो ये किसने launch किया? तो यहाँ पे answer बनेगा option number A, SBI General Insurance ने। ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इस इंश्योरेंस के तहत, जो आप अपने लिए भी ले सकते हो, किसी को गिफ्ट करना है तो ले सकते हो।
ये एक्सीडेंटल डेथ को कवर करेगा, पार्शियल या फिर टोटल डिसेबिलिटी को कवर करेगा, परमानेंट या टेम्पररी डिसेबिलिटी को भी ये इंश्योरेंस करेगा एक्सीडेंट के दौरान। किसी की मृत्यु हो जाती है तब इंश्योरेंस कवर होगा, थोड़ा या बहुत ज्यादा डिसेबल हो जाता है, परमानेंट या टेम्पररी डिसेबिलिटी के लिए भी ये इंश्योरेंस कवर देगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की हम लोग तीसरी बार बात कर रहे हैं, अब तो रट जाना चाहिए। प्रकाश चंद्र कंदपाल एमडी सीईओ मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। एरोस्पेस साइंटिस्ट जी सतीश रेड्डी गेट 2 ईयर एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। डीआरडीओ का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये है जी सतीश रेड्डी जो इस पद पे आए थे 2018 में, और इनका जो एक्सटेंशन है 1 साल और कर दिया गया है। 26 अगस्त को ये रिटायर हो जाते लेकिन 1 साल बढ़ा दिया गया, तो अब ये 26 अगस्त 2021 को रिटायर होंगे अगर तब इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला तो। Which state is going to be first state in India to implement the new national education policy? National education policy तो आ गई, इंडिया में इसे कौन सा राज्य सबसे पहले लागू करने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 5, कर्नाटका। कर्नाटका वो राज्य है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले लागू करने जा रहा है, जिसमें 10+2 को हटा के 5+3+3+4 का फॉर्मेट लाया जाएगा। ठीक है, कोडिंग बच्चों को क्लास 6 से ही पढ़ाने स्टार्ट कर दी जाएगी, जो ई कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे वो रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी चीजें करना सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है, कर्नाटका स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट किसी एम्बेसडर की नहीं हुई है संदीप, वरना वो यहाँ पे जरूर होता। ठीक है, रिसेंट अगर आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, और अगर आप किसी ब्रांड के एम्बेसडर की बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल इंक्लूड किया जाता है। देखो तो हम लोग कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो ये कर्नाटका है। ठीक है, ये कर्नाटका है, और कर्नाटका की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है। पी एस येदुरप्पा यहाँ के सीएम है और बाजू भाई वाला यहाँ के गवर्नर है। संदीप आपके किस ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि अपॉइंटमेंट हम एम्बेसडर्स की नहीं पढ़ा रहे तो बिल्कुल गलत है, हम जरूर पढ़ाते हैं। एम्बेसडर इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी देश का एम्बेसडर चुना जाए, चाहे वो किसी ब्रांड का एम्बेसडर चुना जाए। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर चुना जाए, चाहे वो राजनयिक चुना जाए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो आप अगर कोई नई नियुक्ति होगी तो हम जरूर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स लॉन्च न्यू मोबाइल एप्लीकेशन माई आई एफ फॉर एस्पिरेंट हु इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। देखो माई आई एफ उन बच्चों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है जो एयरफोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे आई एफ में कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है। इसको चीफ जो है एयरफोर्स की उन्होंने लॉन्च किया। एयर स्टाफ के चीफ का नाम पूछा है तो राकेश कुमार भदौरिया विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें हमें याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि एडमिरल करमबीर सिंह ये कौन है, नेवी के चीफ है। मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी के चीफ हैं, राकेश कुमार भदौरिया एयरफोर्स के चीफ हैं, बिपिन रावत आर्मी प्लस एयरफोर्स प्लस नेवी तीनों के चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है आईएएफ ऐप का नाम है, और आईएएफ जो है हमारा एयरफोर्स जो है 1932 8 अक्टूबर में स्थापित किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके चीफ मार्शल है। Who is author of the book Running Toward Mystery, The Adventure of an Unconventional Life? Sorry. Running Toward Mystery, The Adventure of an Unconventional Life, अपने गुरु की लाइफ पे लिखा है, उनके गुरु से जोड़ के किसने, तो तेंजिंग प्रियदर्शनी ने लिखा है। हालांकि उन्होंने इसमें हेल्प ली है, लेकिन बेसिकली तेंजिंग प्रियदर्शी का नाम आएगा। इनके साथ जारा ने भी इनकी मदद की है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा। जारा इंडियन अमेरिकन एक राइटर है, और देखो इनके गुरु तेंजिंग प्रियदर्शी के कौन है, दलाई लामा। और दलाई लामा के जो गुरु हैं उनके साथ दलाई लामा का क्या रिलेशन रहा, उनके स्पिरिचुअल टीचर खुनू लामा के साथ,
इसी के बारे में इस किताब में लिखा है। तो तेंजिंग प्रियदर्शी और जारा दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, तेंजिंग प्रियदर्शी के साथ जारा ने, ठीक है याद रखना। पास्कल लिसोबा का निधन हो गया, वो कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर एक कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो के ये राष्ट्रपति थे पास्कल, और हालांकि इन्हें तख्ता पलट करके हटा दिया गया था, इन्हें फ्रांस भागना पड़ा था। तो पास्कल लिसोबा प्रेसिडेंट रह चुके थे कांगो के, और कांगो की कैपिटल क्या है? ब्राजाविले। इनका 88 साल की एज में निधन हुआ साउदर्न फ्रांस में, क्योंकि ये फ्रांस में ही थे 1977 में जब तख्ता पलट हुआ। और कांगो के जो प्रेसिडेंट है डेनिस ससाऊ, उन्होंने इनकी जगह ले ली और इनको हटा दिया, तो ये भाग गए थे फ्रांस, और फ्रांस में ही ये रह रहे थे और वहीं पे इनका निधन हो गया। तो पास्कल लिसोबा कांगो के प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। ये कांगो है कहाँ पे? तो देखो हमने आपको बताया था ये नाइजीरिया है, ये कांगो है। ये कौन सा देश है भाई? तो ये देश आपका कांगो है। इधर क्या है? सूडान है। लेफ्ट में क्या है? नाइजर है। ऊपर कौन सा देश है? तो ऊपर आपका लीबिया है, ठीक है। विच रेलवे डिवीजन इंट्रोड्यूस्ड बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन? आप जो सामान लेके सफर कर रहे हो उसे सैनिटाइज कर देगी ये मशीन, और जैसे लैमिनेशन होता है ना वैसे रैप भी कर देगी, ताकि आपका सामान भी वायरस से सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हो, क्योंकि सामान लेकर तो आप ही आओगे जाओगे ना भाई। तो ये जो लॉन्च किया है वो आपके अहमदाबाद रेलवे जोन ने लॉन्च किया है, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने। ये मशीन है ना, बैगेज सैनिटाइज करेगा और रैप करेगा। ये मशीन सबसे पहले अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे रखा गया। जैसे नागपुर में टिकट चेक करने वाली मशीन लॉन्च हुई, वैसे यहाँ पे जितना कम से कम कनेक्शन हो सके, जितना चीजों को सेफ किया जा सके, वैसे नई नई चीजें अब इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा, फाइंड द कंपनी विच हैज वन 2020 ग्लोबल वाटर अवार्ड ऑफ ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस फॉर इट्स टीआरटीओ प्लांट एट कोयम्बेडू चेन्नई। उस कंपनी का नाम बताओ जिसने चेन्नई की कोयम्बेडू में अपने टीआरटीओ प्लांट की वजह से ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस का खिताब जीता है। बिल्कुल, VA टेक वेबैक विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट है। ये इसलिए जीता है क्योंकि ये डेली अपने प्लांट के जरिए, टीआरटीओ प्लांट के जरिए 45 मिलियन लीटर हर दिन पानी को पीने योग्य बनाता है। और चेन्नई जो है वो पहली इंडियन सिटी बन गई जो 20% पानी को रीयूज कर लेती है, जो वेस्ट वाटर है उसे ट्रीट करके 20% पानी को ये रीयूज करने वाला चेन्नई जो है वो पहला इंडियन सिटी है। चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु। विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर एज वर्ल्ड पोलियो फ्री बाई WHO ऑन अगस्त 25, 2020? 25 अगस्त को WHO ने किस महाद्वीप को जो वर्ल्ड पोलियो है उससे मुक्त घोषित कर दिया? बहुत वाइड लेवल पे फैला था अफ्रीका में, और अब अफ्रीका के 47 देशों को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। और सबसे आखिरी जो जगह थी अफ्रीका में पोलियो फ्री घोषित होने वाली वो थी नाइजीरिया। अब पोलियो का खतरा, वाइल्ड पोलियो का खतरा अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही बचा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, विच नेशन विल होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021? 2021 में जो ब्रिक्स देश है उनके खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आदित्य, आज की न्यूज स्टार्टिंग में हो चुकी, आप 8 बजे क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे। आप 8 बजे क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे, 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे हम लोग आज की हेडलाइन डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर रिवाइजिंग करेंट अफेयर ऑफ लास्ट वीक, ओके। तो भाई इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो 5 देशों का समूह है, इसका जो गेम होगा, तो किरण रिजिजू ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा। एट द सेम टाइम इंडिया में खेलो इंडिया गेम होगा, और साथ ही साथ ब्रिक्स का गेम भी होगा, सेम वेन्यूज पे होगा। इंडिया ब्रिक्स की चेयरमैनशिप की बात करें तो इस समय इसका हेड रशिया है। अब यहाँ पे ऐसे जाते हैं ब्राजील से रशिया, अब रशिया से किसके पास जाएगा? इंडिया। तो 2021 में अध्यक्षता भी कौन करेगा ब्रिक्स की? इंडिया करेगा। पीएम मोदी फ्रॉम इंडिया, शी जिनपिंग फ्रॉम चाइना, साइरिल रामाफोसा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम रशिया एंड बोल्सोनैरो, जायर बोल्सोनैरो फ्रॉम ब्राजील।
हैज बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन बने? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जेम्स एंडरसन विल बी द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया टेस्ट विकेट लेने वाले 600 फास्ट बॉलर की श्रेणी में। इनसे ज्यादा और कौन कौन विकेट लिया है? तो एम मुरलीधरन 800 विकेट लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट है। और इनके बाद शेन वार्न ने 708 विकेट, फिर अनिल कुंबले का नाम आता है 619, और फिर जेम्स एंडरसन का नाम आता है 600 टेस्ट विकेट। अच्छा एक बात बताओ, जो सलाइवा जो बैन हुआ था, सलाइवा बैन जिसमें गेंद पर अपना सलाइवा लगाना बैन था कोविड-19 की वजह से, तो इसका दूसरी बार उल्लंघन किसने किया? मेरा क्वेश्चन, एक बार उल्लंघन हुआ था, फिर दूसरी बार भी किसी प्लेयर ने, किसी देश के प्लेयर ने इसका उल्लंघन कर दिया, गलती से उसने आदत से मजबूर अपना थूक जो है वो लगा दिया बॉल पे। Who addressed 35th National Eye Donation Fortnight Celebration that is being held from 25th August to 8 September? हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान को प्रमोट करने के लिए नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेशन होता है। इस बार ये 35वीं बार हो रहा था और इसको एड्रेस किया हर्षवर्धन सिंह हेल्थ मिनिस्टर ने। जाहिर सी बात है हेल्थ मिनिस्टर इसे एड्रेस करेंगे, ये न्यू दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है आपका कि किस राज्य ने अपने के कृषि विभाग ने केसर की बिक्री को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल बनाया है? भाई देखो, पहले तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले इसको ब्रेक किया था डोमिनिक सिल्बी की सिबली, ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, क्रिकेट में हम इतने तेज नहीं है। डोमिनिक सिबली इंग्लैंड के प्लेयर थे, उन्होंने पहली बार बैन किया था। दूसरी बार आमिर ने बैन किया, पाकिस्तान के जो प्लेयर है, ठीक है, एक दिन पहले की बात है। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो केसर है वो जीआई टैग है, मतलब जम्मू कश्मीर के पास इसका ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी मतलब कि इंडिकेशन का टैग है। तो इसने अपने कश्मीरी सैफरन को ज्यादा बिचवाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसका यहाँ पे वेब पोर्टल का URL दिया हुआ है। यहाँ पे आप ई ट्रेडिंग कर सकते हो केसर की और खरीद भी सकते हो। यहाँ पे ग्रोवर और बायर दोनों ही रजिस्टर हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर हमारा आंसर होगा। अच्छा, RBI के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? नहीं, आमिर ही उनका नाम है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं मोहम्मद आमिर, उन्होंने ही नो सलाइवा रूल तोड़ा है और वो खेल रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस पाक का जो क्रिकेट हुआ है उसमें उन्होंने इस रूल को ब्रेक किया है। यहाँ पे आंसर होगा -4.5। तो आरबीआई के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट, वो 2020-21 में माइनस में जाएगा, ठीक है, 4.5। और पूरी ग्लोबली देखा जाए तो -6% से लेकर -7.6% तक जाएगा। ये है शक्तिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। नीति आयोग रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 किस राज्य ने टॉप किया है ओवरऑल रैंकिंग में? अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे गुजरात ने किया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मतलब के उत्पादन हो गया है, उसे निर्यात करने के लिए कौन कितना तैयार है। इस मामले में गुजरात जो है वो सबसे पहले ओवरऑल टॉप किया है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे तमिलनाडु है। किस राज्य की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा ऋण लाभ लिया है? और ये राज्य कर्जा लेने में भी सबसे आगे है। इंडिया में सबसे ज्यादा उधार तमिलनाडु के ऊपर है। तमिलनाडु की महिलाएं, यहाँ पे आंसर भी तमिलनाडु का, तमिलनाडु की महिलाएं मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तमिलनाडु से रही हैं। तो यहाँ पे कितना किसको बेनिफिट मिला है ये रुपीज में दिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
तमिलनाडु टॉप किया है लोन लेने में, जो महिलाएं लोन ली हैं सबसे ज्यादा मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु की महिलाएं ली हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर कर्नाटका आता है, फिर बिहार और फिर महाराष्ट्र आएगा। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेविंग अकाउंट टू कवर पैंडेमिक। पहला इस तरह का सेविंग अकाउंट कोविड-19 के दौरान, जिसका नाम है लिबर्टी सेविंग अकाउंट, जो यूथ युवा के लिए है, ज्यादा उनकी मदद नहीं करेगा लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी सुधारने में मदद कर देगा। ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री 20,000 पर ईयर इंश्योरेंस कवर मिलता है, आपको कोविड-19 ट्रीटमेंट में काम आएगा और आपकी लाइफ स्टाइल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी ये सेविंग अकाउंट आपकी मदद करेगा। 35 साल के कम जो लोग हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये यूथ के लिए बेसिकली है। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ, और बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन। हु हैज डेवलप्ड द वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम टू एस्टैब्लिश अ ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम। पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, जहां पे आप दिन भर काम करते हो फिर आप ही इवेल्युएट करो कि आप अपने काम को कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ इतना, ये किया है एनएचएआई ने। कि हमारे जो ठेकेदार हैं, हमारे जो एडवाइजर्स हैं, और वो क्या करे, दिन भर के काम को रोज मतलब फीडबैक दे, रेटिंग करें उसकी। इसके लिए उन्होंने एक वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम लॉन्च किया। किसने? एनएचएआई ने। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनएचएआई इट मींस इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, एंड द हेड ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री इज नितिन जयराम गडकरी। अब एनएचएआई की बात करें तो एनएचएआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सुखबीर सिंह संधू इसके चेयरमैन है। क्रिकेट द्रोण नाम की किताब के लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण नाम की किताब के लेखक कौन है? क्रिकेट के द्रोणाचार्य, नाम से जाहिर है कि ये किताब किसी कोच के बारे में है, तो क्रिकेट के कोच के बारे में है। क्रिकेट के कोच का नाम है वासुदेव प्रजापे, और इनकी लाइफ पे इनके बेटे जतिन प्रजापे ने आनंद वासु के साथ मिलके किताब लिखी है। तो आंसर होगा जतिन प्रजापे, आनंद वासु। तो जतिन प्रजापे और आनंद वासु ने मिलकर किताब लिखी है। किताब जतिन प्रजापे के पिता वासुदेव प्रजापे की लाइफ पे है। वासुदेव प्रजापे एक ऐसे क्रिकेट के कोच है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है, और इन लोगों ने इस किताब में एसेज भी लिखे हैं इनके बारे में। क्रिकेट द्रोणा इस किताब का नाम है, पेंगुइन इसे पब्लिश कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट साइन एमओयू विद M3M फाउंडेशन टू इनेबल स्टूडेंट टू गेट इन टू गवर्नमेंट जॉब। M3M फाउंडेशन के साथ बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए किस राज्य ने अग्रीमेंट किया है? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर होगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा विल बी द करेक्ट आंसर। और हरियाणा ने बच्चों को सरकारी नौकरी में मदद करने के लिए फिलेंथ्रोपी काम M3M फाउंडेशन के साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए उन्हें ट्रेनिंग दे, मॉनिटर करे, इसके लिए अग्रीमेंट किया है। नेम द पर्सन हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ सुगर केन प्राइसेस टू सुगर रेट। गन्ने के प्राइस के हिसाब से चीनी का प्राइस तय करने का जो निर्णय आया है, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, इसे किसने हेड किया? तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका रमेश चंद। रमेश चंद ने, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, नीति आयोग से जुड़े हैं, इन्होंने इस टास्क फोर्स को हेड किया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, विच स्टेट और यूटी पुलिस विल गेट ई बीट बुक सिस्टम? ई बीट बुक क्या है? किसी चोर या किसी क्रिमिनल को पकड़ा, कुछ मारपीट या कुछ करते हुए पकड़ा गया, जब भी पुलिस ऐसे किसी को पकड़ती है तो पहले देखती है कि ये बंदा जो हमारे हाथ लगा कि ये ऑलरेडी क्रिमिनल तो नहीं है। इसके लिए वो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, उसमें उसका नाम है तो फिर धर लिया जाएगा, नहीं तो ठीक है पहली बार है केस मत करो छोड़ दो ऐसा। तो अब इसमें टाइम लगता है, पुलिस स्टेशन ले जाओ चेक कराओ, तो इससे बचने के लिए एक ई बुक दी जाएगी हर एक कॉन्स्टेबल को, जिसमें सबका क्राइम रिकॉर्ड है, सारे क्रिमिनल का क्राइम रिकॉर्ड है। तो अभी कहीं लेकर नहीं जाना होगा, जहां पे पकड़े उसे वहीं पे वो चेक कर सकते हैं कि ये बंदे का कोई क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं। ये लॉन्च किया है सबसे पहले न्यू दिल्ली ने, तो न्यू दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली की पुलिस को ई बीट बुक सिस्टम दिया जाएगा उनके स्मार्टफोन पे। SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने? आ गया आपका क्वेश्चन। SBI जनरल इंश्योरेंस के महेंद्र सिंह कंदपाल है,
एसबीआई के आपके भाटिया जी बन गए, एसबीआई म्यूचुअल फंड का कौन बना है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, विनय टोनसे, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो विनय टोनसे को एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी का स्थान दिया गया। पहले अश्विनी भाटिया थे, जब अश्विनी भाटिया स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक बन गए तो ये जगह खाली हो गई और ये जगह दे दी गई किसे, विनय टोनसे को। नेम द पर्सन हु हैज रिसेंटली रिजाइन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX के सीईओ के रूप से किसने इस्तीफा दे दिया। तो आंसर यहाँ पे आएगा राजीव श्रीवास्तव। राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया IEX के पद से, इनकी जगह पे एडिशनल चार्ज दे दिया गया सत्यनारायण गोयल को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप, जो एनसीसी कैडेट कोर्स है, बच्चे जो है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स इस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो एनसीसी में जो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही बच्चों की, वो ट्रेनिंग ऐप के जरिए उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ओके, राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। विच कंट्री रिलीज डिसक्लासिफाइड वीडियो ऑफ लार्जेस्ट एवर हाइड्रोजन बम ब्लास्ट, किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम ब्लास्ट का विघटित वीडियो जारी किया। आंसर यहाँ पे होगा रशिया, रशिया ने जारी किया ये बम जो है, तार बम इसका नाम है, ये वो लिटिल बॉय फैटमैन जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था, उससे भी ज्यादा, बहुत, उससे 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये बम है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है। कैपिटल रशिया की मॉस्को है, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, करेंसी रशियन रूबल है। अच्छा ये बताइए कि गेल शही कौन से क्षेत्र से जुड़ी थी और इनका निधन हो गया। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, अच्छे से आंसर कर डालो सारे लोग। भाई गेल शही दो क्षेत्र में काम करती थी, राइटर भी थी, जर्नलिस्ट भी थी। यहाँ पे राइटर तो ऑप्शन में है नहीं, जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म चुन लेते हैं। ये है गेल शही, ठीक है, ये राइटर, जर्नलिस्ट, पॉप सोशियोलॉजिस्ट भी थी, और इनकी किताब थी जो बेस्ट सेलिंग थी 1976 की, पैसेज प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ। शेली को बहुत सारे ऑनर मिले, जैसे नेशनल मैगजीन अवार्ड मिला, ठीक है, और एनसफील्ड वॉल्फ बुक अवार्ड मिला, इन्हें सिटेशन मिला था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर हर नेम एंड राइटर जर्नलिस्ट, इनका प्रोफेशन ये याद रखने की आपको जरूरत है। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फिटनेस कैंपेन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने अपने जो स्टूडेंट है वहां के, जो घर पे रह रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उनको हेल्दी बनाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज साइन एन MOU विद BSSUT टू सेट अप इंक्यूबेशन सेंटर, तो स्माइल सेंटर स्थापित करने के लिए BSSUT एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ समझौता ज्ञापन इसरो ने साइन किया है। क्या करेंगे ये मिलके भाई, तो देखो ये जो आपका वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके साथ इसरो मिलके इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगा, इनोवेशन सेंटर भी रहेगा ये, जिसमें वो स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में साथ में मिलके काम कर सके। लैब बनाया जाएगा, स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी। इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवान है, बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। BSSUT के वाइस, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, अटल चौधरी हैं, और BSSUT का हेडक्वार्टर संबलपुर उड़ीसा में, उड़ीसा इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, वाइस चांसलर का नाम पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग रेट 1200 करोड़ प्रोजेक्ट टू लिंक विच स्टेट्स रीजन विद द नेशनल पावर ग्रिड, एक ऐसा रीजन है हमारे देश में जहां पे केवल 4 से 5 घंटे बिजली सप्लाई हो पाती है जनरेटर के माध्यम से, तो उस क्षेत्र को पावर ग्रिड से जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लॉन्च की है, किसको, तो यहाँ पे आंसर आएगा लद्दाख, लद्दाख के लेह एरिया में जो जगह है उसे पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। AIFC ने MOU साइन किया किसके साथ, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में और उस कंट्री में जिसके साथ इन्होंने MOU साइन किया। तो आपको पता है फुटबॉल कोचेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
वहां पे एक संघ है फुटबॉल कोचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, जो है ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल कोचेस उनका जो एसोसिएशन है उसके साथ इंडिया के फुटबॉल कोचेस का एमओयू हुआ है, ताकि ये फुटबॉल के क्षेत्र में मिलके दोनों देशों में, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में प्रोग्रेसिव काम कर सके। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस और फुटबॉल कोचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने एमओयू साइन किया है। इनका एक और मोटिव है कि ये महिला कोचेस को ज्यादा बढ़ाएं फुटबॉल में, ठीक है। एफसीए के प्रेसिडेंट है फिल मॉस, ग्लेन वेरी चीफ एग्जीक्यूटिव है, एआईएफसी के जनरल सेक्रेटरी है कुशल दास, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। Who represented India in fifth BRIC industry ministerial meeting held through virtual conference? तो जब ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, प्रकाश जावड़ेकर ने रिप्रेजेंट किया था, और अब इनके इंडस्ट्री मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, तो इसमें सोम प्रकाश जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। तो ये जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांच देशों की इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, इसमें सोम प्रकाश ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां पे 5G की बात हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की गई। विच बैंक इज अबाउट टू पार्टनर विद एडोब टू इनहेंस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि HDFC जो है ये एडोब के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि डिजिटल एक्सपीरियंस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। HDFC के CEO आदित्य पुरी, लेकिन बहुत जल्द इनकी जगह शशिधर जगदीशन लेने वाले हैं, और HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। Who has released a book titled National Security Challenges, Young Scholar Perspective? राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के बारे में युवा विद्वानों का क्या परिप्रेक्ष्य है, इस नाम से किताब का अनावरण किसने किया, इसे लॉन्च किसने किया? तो आंसर आएगा हमारे आर्मी चीफ का, मनोज मुकुंद नरवाने का। हमारे आर्मी चीफ ने ये किताब को लॉन्च किया है। ये किताब एक नहीं, कई लोगों के साथ लिखी गई है। कई सारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चे और डॉक्टोरल कैंडिडेट के बच्चों ने भी इसे लिखा है। उन्होंने अपना व्यू बताया है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके। किताब को सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, मतलब क्लॉस के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है। इस किताब में ट्रिब्यूट दिया गया है किसे, तो फील्ड मार्शल मैनेकशॉ को, जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी 1971 के युद्ध की, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की, जिसका रिजल्ट हुआ था बांग्लादेश की आजादी, ठीक है। क्रिकेटर कैमरन व्हाइट अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने रिटायरमेंट की घोषणा की, ये कौन से देश से हैं? तो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये अब रिटायर हो रहे हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग? अपनी किताब शाम की असुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं? क्या होगा आंसर भाई? आंसर होगा यहाँ पे मार्की लुकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये है डच ऑथर मार्की लुकस, जो 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत रहे हैं लिटरेरी फिक्शन बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, और ये 29 साल की एज में ये जीत रहे हैं, तो सबसे यंगेस्ट ये पुरस्कार जीतने वाले बन गए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन किताबों के लिए दी जाती है जो इंग्लिश में कन्वर्ट हो, मतलब ट्रांसलेट की गई किताब हो, और जिसे यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। विच लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्मार्ट असिस्ट, अ रियल टाइम असिस्टेंस सर्विस? स्मार्ट असिस्ट में क्या होगा कि आप जो हेल्पलाइन में कॉल करते हो असिस्टेंस लेने के लिए, जब आप कुछ काम में अटक जाते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिलेगा एक बंदा जो आपको समझाएगा। इसे लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनी है बजाज अलियांस, जहां पे अपने कस्टमर्स को स्क्रीन पे सेवा, कोई कोई भी सर्विस है उसमें प्रॉब्लम उन्हें हो रही, कोई परचेज करना है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो वो उनसे स्मार्टली उन्हें असिस्टेंस मिलेगा, इसलिए इसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके डायरेक्टर जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है तरुण चुग, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। Which nation's prime minister has resigned due to worsening health condition? आप सबको इसका आंसर पता है, और अब वहां पे गद्दी पे बैठने के लिए बहुत घमासान चल रहा है। तो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने हेल्थ के चलते इस्तीफा दे दिया है। लास्ट टाइम इन्होंने 2012 में गद्दी संभाली थी और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए जापान के। वेयर इज जापान इन वर्ल्ड मैप? तो ये रहा आपका जापान, ठीक है। टोक्यो जो है वो यहाँ की क्या है, कैपिटल है, और ये यहाँ की करेंसी है।
When will sport award be घोषित? तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हो चुका है। 29th को स्पोर्ट डे के अवसर पे नेशनल स्पोर्ट अवार्ड लोगों को दिया जा चुका है। आपको ये बताना है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्चुअल आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल मीट ऑन अगस्त 27। 27 अगस्त को इंडिया और आसियान के देशों के बीच में जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो एक ग्रुप बनाते हैं आसियान, उनके बीच में जो बैठक हुई, उसमें भारत को कौन रिप्रेजेंट किया? क्योंकि ये बिजनेस मीट थी तो इसमें पीयूष गोयल का नाम आएगा। पीयूष गोयल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हम आसियान की बात करते हैं तो 10 कंट्री यहाँ पे हैं, 10 मेंबर हैं आसियान के। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सब इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ते हैं और एशिया के साउथ में। तो साउथ एशियन कंट्री है जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है आसियान, जिसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक हुई और सेक्रेटरीट है जकार्ता। तो इस आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया को बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग हुई थी, जिसमें पीयूष गोयल ने इंडिया की तरफ से बातचीत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सीआईआई ने एक नया फोरम बनाया है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने संदीप पटेल को चुना है। सीआईआई जो है एक संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जब जब इंडिया में किसी चीज के लिए कोई संस्था स्थापित करनी होती है तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सामने आता है। इसने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक फोरम बनाया है, जिसका हेड इन्होंने उस बंदे को चुना जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का इंडिया में हेड है। उनका नाम है संदीप पटेल। किस लाइफ इंश्योरेंस ने, अच्छा ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, ओके। और ये क्वेश्चन आप बताओ, क्रिकेटर थरंगा रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? थरंगा परनवितान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ये कौन से देश से हैं? भाई देखो, एक हफ्ते की न्यूज पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, चिंता मत करो, हम भी ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, ठीक है? सो ये मत सोचो कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है? तो आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के क्रिकेटर है थरंगा परनवितान, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। ये श्रीलंका के सबसे ज्यादा रनर, मतलब कि रन टेकर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इन्होंने 12,522 रन बनाए हैं। अयाका ताकाहाशी जापान की पहली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है, ये कौन से गेम से रिटायर हो रही हैं? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको पता है श्रीलंका में दो बैंक का फंक्शन रोक दिया है महिंदा राजपक्षे ने। ये पहले की न्यूज है, अभी की तो नई न्यूज है, कई महीने हो गए। दो बैंक है जिसका ऑपरेशन इनके देश में होता था पहले श्रीलंका में, फिर इन्होंने मना कर दिया। एक का नाम मैं बता दे रही हूँ एक्सिस बैंक, दूसरे का नाम आप बताओ। तो खैर, ये जो है ये बैडमिंटन प्लेयर थी अयाका ताकाहाशी, जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जापान की अयाका ताकाहाशी रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल जीती थी, जो जापान का पहला गोल्ड मेडल था बैडमिंटन के क्षेत्र में। ये बैडमिंटन प्लेयर थी और इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दिया। इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ पे सेटअप होगा? तो भाई ये सेटअप होगा आपका केरला में। तो केरला के अंगमाली में इंडिया का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, जहां पे महिला एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, एक जगह जहां पे महिलाओं का ट्रेड होगा, केवल महिलाएं ही अपना बिजनेस करेंगी वहां पे, ठीक है? तो ये किया जा रहा है केरला में। अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा नाम का पहला मरीन एम्बुलेंस कहाँ पे लॉन्च किया गया? एकदम रट गया है सौरभ को, एकदम रट गया है, पीपीटी भी सौरभ को रट गई है, इसके बाद भी केरला है, पहले ही उन्होंने बता दिया, एकदम रटे हो, घोल के पी लिए हो पूरे सेशन को हफ्ते भर के। प्रतीक्षा जो है केरला में कोची में लॉन्च हुआ है। एक्चुअली तीन समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च हुआ है, प्रतीक्षा और प्रत्याशा और करुण्या, ठीक है? ये तीनों आपका एक ही दिन, और फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ केरला के द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है और ये 27 अगस्त को लॉन्च हुआ, ठीक है? केरला कहाँ पर है? ये केरला है भाई, सब एकदम रट के बैठे हो, ये केरला है। केरला में इराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पांपा डम शोला नेशनल पार्क है, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क है और अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क है।
सुधा पैनुली सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड फॉर टीचर 2020, हाउ मेनी टोटल टीचर हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड? ये भी तो रटा होगा, बताओ। अब हम लोग खत्म होने वाले कगार पे आ गए क्योंकि कल के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 47 टीचर्स को चुना गया है, ठीक है, इस अवार्ड के लिए, जिसमें से सुधा पैनुली एक है। ये अवार्ड दिया जाता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के द्वारा, जिसकी प्रिंसिपल है सुधा पैनुली, तो इन्हें भी अवार्ड मिलेगा ही। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा स्थापित किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू कवर एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी अंडर सोशल वेलफेयर स्कीम? जो सामाजिक वेलफेयर स्कीम में एलिजिबल थे फिर भी रजिस्टर नहीं कर पाए, एंड हो गया डेट, उसमें उन्हें फिर से चांस देने के लिए किस नाम से लॉन्च किया गया है स्कीम? सी आंसर आ रहा है, इरादा, बिल्कुल सही है। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया गया है। डॉक्टर सागर ने इसे लॉन्च किया कि जो लोग किसी स्कीम के लिए एलिजिबल थे बट इंड डेट आने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए, उन्हें फिर से मौका मिल रहा है सोशल वेलफेयर स्कीम में रजिस्टर होने का। फाइनली फाइनली आपने भी चैन की सांस ली होगी। तो 1 घंटे 40 मिनट के बाद हम लोग का सेशन खत्म हो रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर डज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लोकेटेड? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में बाद में आंसर देना। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया था कि पुली कली कहां का आर्ट फॉर्म है, केरला का है, रीनू ने आंसर दिया था, सौरभ ने आंसर दिया था, बानी ने आंसर दिया था, अर्जित, अश्विनी और सृष्टि ने भी आंसर दिया था। सो वेल डन, और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का भी आंसर दे देना आप सभी लोग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ वेरी नाइस डे।